अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस कमेटी के जोनल अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया। उनके हरैया पहुंचने पर पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप नारायण पांडे एवं डॉक्टर शीला शर्मा की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत करते हुए फूलमालाओं से लाद दिया। तहसील मुख्यालय से कस्बे के रामलीला मैदान पर कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा कर जनता को राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा की सफलता और मकसद के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, जनता ने सपा बसपा की जन विरोधी नीतियों से उभरकर बीजेपी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब जनता भाजपा की नीतियों से ऊब चुकी है, आने वाले समय में उन्हें जवाब देगी। ये तो पार्टी में हमारे भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद लगातार हमारे जो राजनीतिक दल के हमारे नेता हमारे पार्टी के उन्होंने हर जगहों पे कार्यक्रम रखा। तो यहाँ पे हरैया में बबलू पांडे जी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में आज सरैया में एक कार्यक्रम किया था जो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा थी। आगामी देखिए सरकार अपने मूल एजेंडे से भटक गई है। भटकने के पीछे कारण जो सरकार है उत्तर प्रदेश और देश की, वो सिर्फ विरोधियों को परेशान करने में अपना सारा समय लगा रही है। वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके ये जान रही, ये लग रहा है उनको कि हम इससे राजनीति में अपना रास्ता आसान कर लेंगे, लेकिन उनको यह शायद याद नहीं है कि इस देश में जब जब चुनी हुई सरकार जनता की सरकार जब संवैधानिक संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू हो जाती है तो आम आदमी उससे दूर होना शुरू हो जाता है। वही हाल आज भारतीय जनता पार्टी का है। हमारे इस केंद्र की सरकार ने आप देखिए लगातार जिस नेता के प्रति उनको दुराभाव की भावना रहती है तुरंत उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था छत्तीसगढ़ में, चार दिन पहले से लगातार वहाँ पे ईडी ने अपने छापे मारने शुरू कर दिए, कुछ नहीं मिला उनको छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के खिलाफ। आज देखिए दो दिन से लालू प्रसाद यादव के उनके रिश्तेदारों के घर, आज तेजस्वी यादव के घर ईडी का छापा पड़ रहा। तो ये अपने उस रूप में आ गए हैं, ये जनता के विकास काम को छोड़ के अपने विरोधियों के खिलाफ अपना सारा ताकत लगाने लगे हैं। इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है और जनता इसको देख रही है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। नहीं देखिए आगामी निकाय चुनाव हम अकेले लड़ने जा रहे हैं, हमें इसमें कोई गठबंधन नहीं करना है और मजबूती से हम लोग पहले से भी चुनाव की तैयारी कर रहे थे। चुनाव आगे बढ़ने पर फिर से उस चुनाव की तरफ पार्टी मजबूती से तैयार है और लड़ने की तैयारी कर रही है। बस्ती में